किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। उम्मीद करता हूँ कि इस सारे तामझाम का ढंग का नतीजा निकलेगा। 3 अगर आपको लग रहा है ये सब फजूल है तो फिर आप यहाँ पर आए। 2 मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो इस देश में किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। 1 सर, दुनिया भर में लोग ना 60-70 टन की इंजन बना रहे हैं और हम यहाँ 600 किलोग्राम के खिलौना बनाकर खुश हो रहे हैं। सर, ये रॉकेटरी नहीं है, पपेटरी है। इन रॉकेट्स के जरिए हमें कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च करने होंगे। कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट जो आने वाले दिनों में $1 ट्रिलियन मार्केट है, उसका हमें हिस्सा बनना पड़ेगा। जो मेरे अप्पा अंकल पूरा परिवार 5 साल में कमाते हैं वो आप 1 साल में कमाओगे? ना, 1 महीने में। क्या कहते हो, मैं ऐसा ऑफर ले लें? बास्टर्ड्स, ये फिर से हमारे काबिल दिमाग छीनना चाहते हैं। क्योंकि मेरे सामने जो देख रहा हूँ उसे देख कर मेरा खून खोल रहा है। नंबी नारायणन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ क्रायोजेनिक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सेकंड स्टेज, प्रोजेक्ट डायरेक्टर फोर्थ स्टेज, एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर PSLV। सबको लगता है कि लिक्विड इंजन मेरी वजह से फेल हुआ है, लेकिन सच तो यह है कि मैं आपकी वजह से फेल हुआ हूँ। किसी कुत्ते को मारना हो तो अफवाह फैला दो कि वो पागल है। ठीक उसी तरह किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। मुझे तुम लोगों से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, ना ही मैं यहाँ कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतने आया हूँ। एक मिशन के लिए आए हैं। There's no time. अब सितारों तक पहुंचाने वाली जिम्मेदारी तुम्हारी। क्या समझ रखा है मुझे? मैं एक रॉकेट साइंटिस्ट हूँ।